सर इस पे आपके साइन चाहिए। अरे अंकिता, क्या तुम इन कागजात पर साइन कराती रहती हो? कभी अपने दिल पर साइन करा लो। एक्सक्यूज मी सर। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आज शाम को फ्री हो क्या? सर यहाँ भी चाहिए। कॉफी पे चल सकते हैं। थैंक यू सर। अरे देख लेना। गंदी नजर से ही क्यों देख रहे हैं? लगता है मेरे कपड़ों में ही कुछ खराब है। एक काम करती हूँ, अब से ये कपड़े नहीं पहनूंगी, फिर मुझे कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा। क्या हो गया अंकिता मैडम? अंकिता गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वैसे यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस टुडे। थैंक यू सो मच सर। अंकिता तुम ये जो साइन करने वाले काम है ना, आफ्टरनून के बाद लेकर आया करो, क्योंकि उस टाइम मैं फ्री होता हूँ। क्या है ना कि काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है, तुम समझ रही हो ना? वैसे तुम अगर ये फाइल लेकर आई हो तो मैं बिना पढ़े साइन कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो मैं आग बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अब तो मैंने कपड़े भी बदल के देख लिए, मेरे कपड़ों में क्या कमी है जो सर मुझे ऐसे गंदी नजरों से देखते हैं? भैया मेरे कपड़ों में कुछ कमी है क्या? नहीं अंकिता मैडम, आप तो बहुत अच्छी दिखती हैं कपड़ों में। नहीं, मेरे कपड़ों में ही कुछ कमी है, तभी सर मुझे ऐसे गंदी नजरों से देखते हैं। मैं एक काम करती हूँ, अब से ना ऐसे कपड़े पहनूंगी नहीं, पूरे ना ऐसे कपड़े पहनूंगी जो पूरे शरीर को ढक दे, बिल्कुल भी ना दिखे। हाँ यही करूंगी। राजू। जी सर। वो अंकिता कहाँ पे है? मित्तल की फाइल रेक्टिफाई करवानी है, जल्दी भेजो उसे। मित्तल की फाइल सर? हाँ अभी अंकिता मैम को बोल देता हूँ। थैंक यू सर। मैं कम इन सर। कम इन। सर आपने जो ये मित्तल की फाइल मंगवा रही थी, here it is. वैसे अंकिता दिल जीत लिया तूने। खूबसूरती औरत का गहना होता है, और इस गहने को जितना छुपा के रखो उतना ही अच्छा होता है। पी नजर लग जाती है ना, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तूने अपना ये गहना मेरे लिए छुपा के रखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझ पे हाथ उठाया? दो कोड़ी की एम्प्लॉयर है तू, मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। अब तक मैं समझ रही थी कि ये जो भी सब हो रहा है ना, ये मेरी कपड़ों की वजह से हो रहा है, शायद मैं ही गलत कपड़े पहनती हूँ, पर नहीं, असलियत तो ये है कि आपकी नीयत ही गंदी है। अरे आपको कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? आपके सामने लड़की सूट में आए, क्रॉप टॉप में आए या डायपर में, आपकी नीयत उस लड़की के लिए वही रहेगी। अब जैसे लोग ना कभी ये चीज नहीं समझ सकते, समझोगे तब जब आपकी माँ बहन या बेटी के साथ ऐसा होगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसा फील होता है। अरे आप लोग तो बस अपने मजे के लिए ही कर लेते हो ना, आप लोग ये नहीं सोचते कि विक्टिम पर क्या असर पड़ेगा, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, आप लोग क्यों सोचोगे ये? तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मेरी कंपनी में ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स गुड कि आपको समझ आ गया है सर,
और हाँ, मैं आपके यहाँ जॉब करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ। तो आज के बाद किसी भी लड़की पर ऐसी गंदी नजर रखने से पहले 10 बार सोचिएगा। क्या पता अगली बार आप यहाँ नहीं लॉकअप में मिलो, समझे आप? नहीं चाहिए आपकी नौकरी, रखिए अपने पास। मैम, आज जो आपने ये काम किया ना, ये आपको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। आज के बाद इसकी हिम्मत नहीं होगी किसी भी लड़की को ही कुछ गलत बोल सके। एंड मैम, आपको दिल से सल्यूट है।